रोहिल्ला वॉर, ये हुई थी आपकी 1774 में। देखो वॉर हिस्ट्री के टाइम पे बहुत ऐसी चीज़ें हुई जिसने इसको बड़ा इनफेमस बना दिया। इनफेमस होता है मतलब फेमस फॉर बैड थिंग्स, बोलते हैं कि बदनामी में भी एक नाम है, तो जो बदनामी में एक नाम है वही नाम था किसका, वॉरेन हेस्टिंग्स का। तो बात करते हैं क्या क्या हुई थी चीज़ें। तो देखो इसमें क्या हुआ, 1771 की अगर हम बात करें, माधवराव आपका पेशवा था 61 से 72 तक, तो ही वॉज एबल पेशवा एंड आफ्टर द वॉर ही वॉज ट्राइंग टू अगेन कंसोलिडेट मराठा पावर एंड ही वॉज ऑल्सो वेंचरिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ इंडिया टू एक्वायर मोर एंड मोर टेरिटरीज। मोर द टेरिटरीज मोर विल बी द रेवेन्यू, मोर इज द रेवेन्यू मोर विल बी द एडवांसमेंट इन आर्मी एज वेल एज अदर टेक्नोलॉजिकली ऑल्सो। इफ द मनी इज विद द आर्मी, द आर्मी विल बी एबल टू इन्वेस्ट इन एडवांस्ड वेपन्स। तो वो सब चीज़ें थी उसमें। तो इफ़ यू पीपल रिमेंबर जो आपकी पुरानी वॉर थी रोहिलखंड की, उससे पहले 1761 वाली वॉर थी जो रूलर ऑफ रोहिलखंड था, रोहिलखंड भी आपका अफगान की तरफ था। तो अफगान जो आपका रोहिलखंड था यहाँ पे पहले भी दिल्ली पे इनका इन्फ्लुएंस था, अगर आपको याद है जबीता खान हमने पढ़ा था, गुलाम कादिर जबीता खान, उनको डिफीट करा था मराठास ने, तो वही सब बात कर रहे हैं हम लोग आगे। तो अब क्या हुआ, मराठा का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा और मराठा दिल्ली तक आ गए। दिल्ली में भी कुछ आपके रोहिल्लास थे, उनको भी मराठास ने डिफीट कर दिया। अब जो आपके रोहिलखंड के रूलर्स हैं, रोहिलखंड का रूलर था हफीज़ रहमत खान, हफीज़ रहमत खान वॉज रूलर ऑफ रोहिलखंड। तो इसके ऊपर खतरा मंडराने लगा कि मराठा स्कूल कुड ऑल्सो अटैक माई किंगडम एंड माई आर्मी इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग दैट आई कैन बियर द ब्रंट ऑफ मराठा आर्मी, सो इफ़ मराठा अटैक देन आई विल लॉस्ट माई किंगडम। इसको डर था और डर था भी इसका, सही भी था इसका डर, तो काफ़ी डर रहा था। और उसी टाइम पे आपका ये तो है आपका रोहिलखंड का रूलर, उसी टाइम पे आपका अवध है, अवध का रूलर था आपका शुजाउद्दौला एंड शुजाउद्दौला वॉज हैविंग गुड रिलेशनशिप्स, गुड अच्छे रिश्ते थे विद ब्रिटिशर्स। अब एक तो इतना कंसेप्ट है। अब क्या हुआ, मराठास तीसरे हैं, मराठास जो हैं, मराठास माधवराव अभी मराठास भी प्लान कर रहे हैं कि हमको रोहिलखंड पे अटैक करना है, लेकिन मराठा के अपने किंगडम में भी कुछ चीज़ें चल रही है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मराठा किंगडम में क्या हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही है। मराठा किंगडम में कुछ अंदर फैमिली में ठीक नहीं चल रहा है उनकी, क्या ठीक नहीं है वो इसके बाद समझेंगे हम लोग, बट इनकी फैमिली में ठीक नहीं चल रहा है। तो लेकिन इस पर तो खतरा था ही, इसको इतना क्लियरली नहीं पता था कि मराठा की फैमिली में भी ठीक नहीं चल रहा है और इस वजह से वो अटैक कैंसिल कर देंगे। हुआ क्या, हफीज़ खान को जब पता चला कि मराठाज आर प्लानिंग टू अटैक रोहिलखंड, ही आस्ट शुजाउद्दौला टू हेल्प हिम इन वॉर अगेंस्ट मराठास एंड शुजाउद्दौला इन इटसेल्फ, इसके अपने पास विद हिमसेल्फ ही वॉज नॉट हैविंग गुड आर्मी बट ही वॉज गुड फ्रेंड ऑफ ब्रिटिशर्स, सो ही आस्ट ब्रिटिशर्स एट द गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, ही आस्ट वॉरेन हेस्टिंग्स कि अगर आप मुझे अपनी आर्मी प्रोवाइड करते हो, मैं आपकी आर्मी देता हूँ हफीज़ रहमत खान को, वो डिफीट करेगी किसको, मराठास को। और हफीज़ रहमत खान जो आपका वॉरेन हेस्टिंग्स है, ही एक्सेप्टेड, वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक्सेप्ट करा और बोला कि आपको पैसे देने पड़ेंगे, पैसे दो और तमाशा देखो, पैसा फेंको और आप ले जाओ आर्मी हमारी। तो उसने एक्सेप्ट कर लिया शुजाउद्दौला ने अपने आप में एक्सेप्ट नहीं करा, शुजाउद्दौला ने हफीज़ रहमत खान से पूछा, हफीज़ रहमत खान ने बोला ठीक है पैसा दे देंगे बट वॉर में डिफीट करना है, तो ठीक है अभी पेमेंट हुई नहीं है, तो ये एक्सेप्ट हो गया और आर्मी आ गई है अवध और अवध से जाने लगी है रोहिलखंड। और इन द मीन टाइम पता चला कि जो मराठा है
मराठा की जो आर्मी है वो वापस आपकी वापस जा रही है एंड दे हैव ड्रॉप द आइडिया ऑफ अटैकिंग रोहिलखंड, और वो अब रोहिलखंड पे अटैक नहीं कर रहे हैं। ये जब खबर मिली हफीज़ रहमत खान को कि मराठास ने अपना जो अटैक है वो मिडवे ही उन्होंने कैंसिल कर दिया कि नाउ दे आर नॉट अटैकिंग रोहिलखंड, रहमत खान ने शुजाउद्दौला को बोला कि ले जाओ अपनी आर्मी, मुझे आर्मी नहीं चाहिए, तो अपनी आर्मी तुम ले जा सकते हो, अब मुझे आर्मी नहीं चाहिए। तो शुजाउद्दौला भी थोड़ा सा हताश हुआ कि यार इतना मैंने करा, इतना कोशिश करी। ये मतलब इस तरह से है कि आपका दोस्त आपको बुलाए, अगर आप कहीं रूम पे हो और आपका दोस्त आपको बुलाए कि आ तू मेरे से मिलने आ जा, मैं तेरा वेट कर रहा हूँ, या कुछ भी आपको बुलाए कहीं पे और अपने आप रूम पे बैठे हो आप और थके हारे हो, बट स्टिल अपने दोस्त के लिए आप आए, इतना कुछ करके आप पहुँचे और आप पहुँचने ही वाले थे और 5 मिनट पहले आपका दोस्त बोलते हैं यार मुझे ना कोई और दोस्त मिल गया और मैं निकल गया, तो फिर आपको कैसा बुरा लगेगा। तो वैसा ही बुरा लग रहा था शुजाउद्दौला को। फिर यही बात शुजाउद्दौला ने जब वॉरेन हेस्टिंग्स को बताई तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने बोला कि देखो भाई मुझे नहीं पता, मेरी आर्मी गई थी तो मुझे पैसा चाहिए, अपने को पैसा चाहिए और अपने को नहीं पता आर्मी लड़ी या नहीं लड़ी, हम मेरे वहाँ से गई थी तो मुझे पैसा चाहिए। तो यही मैसेज शुजाउद्दौला ने हफीज़ रहमत खान को दे दिया कि भाई देखो हमने तो आर्मी भेजी थी, अब यूज़ तुमने नहीं करी उसमें हम क्या करें, हमने तो भेजी थी हमारे एंड से, तो तुम्हें पैसा देना पड़ेगा, 40 लाख रुपए के आसपास इनकी बात हुई थी। तो हफीज़ रहमत खान ने इस बात को डिनाई कर दिया कि नहीं कि भाई पैसा तो हम नहीं देंगे, अगर हम यूज़ करते तभी पैसा देना था, तुमने अब हमने तुम्हारी जब आर्मी यूज़ की ही नहीं तो पैसा किस बात का, जब हमने यूज़ ही नहीं करी कोई चीज़ तो पैसा क्यों दें हम, तुमने बेशक भेजी यूज़ ही नहीं हुई तो ले जाओ वापस। बट वॉरेन हेस्टिंग्स क्या था, बार बार प्रेशराइज कर रहा था शुजाउद्दौला को, नहीं तो हमको तो चाहिए। अब क्या है कि हफीज़ रहमत खान की बात तो है नहीं वॉरेन हेस्टिंग्स से, वॉरेन हेस्टिंग्स डायरेक्टली किससे बात कर रहा है, शुजाउद्दौला से, तो वॉरेन हेस्टिंग्स को रिप्लाई किसको देना पड़ रहा है, शुजाउद्दौला को। एग्जाम्पल जैसे आप किसी दुकानदार से कोई चीज़ ले लो, अपने लिए नहीं किसी और के लिए, और आपने ख़रीद लिए है वो चीज़ और आप ले गए हो और अब जिसके लिए आपने चीज़ ली है वो लेने से मना कर रहा है कि नहीं अब मुझे नहीं चाहिए, अब आप ना दुकानदार को वापस कर सकते हैं क्योंकि दुकानदार बोल रहा है यार मैं तो दे दिए, मैं तो बेच दी चीज़, और वो आपको पैसे नहीं दे रहे हैं तो आपको अपने जेब से भरने पड़ रहे हैं। तो इसी ही कश्मकश में शुजाउद्दौला की सटक गई बीच में, इसको गुस्सा आ गया और इसने बोला कि ठीक है तूने पैसे नहीं देने हैं, कंपनी के ट्रूप्स तो है ही, फिर से परमिशन ली किससे, वॉरेन हेस्टिंग्स से, कि परमिशन दो आप मैं अटैक करता हूँ इसको और हथियार लेता हूँ। तो विद द हेल्प ऑफ ट्रूप्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया शुजाउद्दौला अटैक्ड हफीज़ अहमद खान इन 1774 विच इज़ कॉल्ड रोहिल्ला वॉर। इन दिस वॉर हफीज़ अहमद खान वॉज डिस्ट्रॉयड, हिज किंगडम वॉज अस्सर्ब्ड बाय शुजाउद्दौला एंड द रोहिलखंड वॉज एडेड टू द अवध, रोहिलखंड पे ऊपर कब्जा कर दिया और कुछ रेवेन्यू था इसमें से जो इनके पास पैसा था उसमें से कुछ पार्ट ब्रिटिशर्स को पे कर दिया। तो ये था आपका एपिसोड इसका रोहिल्ला वॉर का, इसके साथ ही आपका हफीज़ रहमत खान एलिमिनेट हो गया और आपका शुजाउद्दौला इज़ नाउ रूलिंग ऑन रोहिल्ला रोहिलखंड एज वेल एज अवध।